हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर होस्ट राजदीप सिंह। आज के इस ब्लॉग में हम जा रहे हैं हिमावत गोपाल स्वामी बेटा। ये मैसूर से लगभग 83 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और बेंगलोर से लगभग 220 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह कर्नाटका के गुंडलपेट तालुक में मौजूद एक पहाड़ है जिसे कन्नड़ा में बेटा भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त हिमावत गोपाल स्वामी बेटा को बांदीपुर नेशनल पार्क का सबसे ऊंचा पर्वत होने का भी श्रेय जाता है। वीकेंड्स पे मैसूर से यहाँ विजिट करने के लिए डायरेक्ट बसें केएसआरटीसी द्वारा संचालित की जाती हैं। यदि आप वीकडेज में जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको गुंडलपेट तक डायरेक्ट बस मिल जाएगी और गुंडलपेट से आपको एक अन्य बस में बैठकर फॉरेस्ट गार्ड एंट्री गेट तक जाना होगा। और यदि आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो गुंडलपेट से हिमावत गोपाल स्वामी की तरफ जाने वाली एक कनेक्टिंग रोड पर आपको लगभग 16 किलोमीटर चलना पड़ेगा। हरे भरे चौरस मैदानों से गुजरती हुई रोड एक तरफ बांदीपुर के जंगलों के नज़ारे दिखाती है और दूसरी तरफ खेतिहर किसानों की खेती। यह रोड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एंट्री गेट तक जाती है। हमें अपनी गाड़ियां वहीं छोड़नी पड़ेंगी। आप यदि अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो अपनी गाड़ियों को यहीं पर स्टैंड पर लगा दीजिए और एंट्री गेट की तरफ आगे बढ़ चलें। क्योंकि हिमावत गोपाल स्वामी बेटा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में है और क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर आते जाते रहते हैं, तो इसलिए टूरिस्टों को सख्त हिदायत दी जाती है कि वो कोई भी खाने पीने का सामान या पॉलीथीन इसके अंदर ना ले जाएं। इससे संबंधित यहाँ पर चेकिंग भी होती रहती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा। और अंदर जाने के लिए आपको यहाँ पर केएसआरटीसी का टिकट लेना होता है जो कि आपको गेट से हिमावत गोपाल स्वामी हिल तक ले जाएगी। और इसका राउंड जर्नी का टिकट लगभग 50 रुपीज़ होता है, तो ये आपको गेट पर ही मिल जाएगा। वो लेने के बाद आप जैसे ही एंट्री करते हैं आपको केएसआरटीसी की बस वहाँ खड़ी मिलेगी जिसमें आप सवार होकर आगे की यात्रा करते हैं। यात्रा बेहद ही खूबसूरत होती है क्योंकि आपके दोनों तरफ बेहतरीन हिल्स के व्यूज़ आपको दिखाई देते हैं। बस से उतरते ही आपको हिमावत गोपाल स्वामी मंदिर के दर्शन होते हैं। यह मंदिर 14th सेंचुरी में बनाया गया था। भगवान विष्णु को समर्पित यह टेंपल चारों तरफ खूबसूरत वैलीज से घिरा हुआ है। यहाँ पर आकर आसपास की छटा आपको मंत्रमुग्ध कर लेती है। बांदीपुर के घने जंगलों से घिरा होने के कारण ये पर्वत ज्यादातर समय घने कोहरे में घिरा रहता है। इस पर्वत पर मुख्यतः भगवान कृष्ण को समर्पित एक मंदिर है जिसे वेणुगोपाल स्वामी के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए इस पर्वत का नाम हिमावत गोपाल स्वामी बेटा है। आपको बता दें इस मंदिर का निर्माण होयसाल वंश के शासक बल्लाल द्वारा करवाया गया था जिसको कि मैसूर के वाडियार वंश के शासकों द्वारा संरक्षित किया गया। दक्षिण भारतीय मंदिरों की तुलना में मंदिर एक छोटा मंदिर है जिसमें एक गोपुरम, एक मंडप और एक ध्वजा स्तंभ भी मौजूद है। कहा जाता है यह अगस्त ऋषि का तपस्या स्थल है और
किंवदंतियों के अनुसार भगवान विष्णु ने उनकी आराधना से खुश होकर यहाँ पर विराजमान रहने का वरदान दिया था, इसीलिए इसे हंस तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर से उतरकर हम कुछ और जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए बढ़ चले। कुछ दूरी पर फॉरेस्ट गार्ड का गेस्ट हाउस बना हुआ था जिसकी तरफ हम आगे बढ़ चले थे। ये जगह टूरिस्ट्स के लिए प्रतिबंधित थी, अतः हम वहां से लौट आए और आसपास के नज़ारों को अपने कैमरे में संजोने लगे। वन संरक्षित क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर वाइल्ड लाइफ संबंधी कुछ सूचना पट यहाँ लगाए हुए थे, और क्योंकि ये फॉरेस्ट गार्ड के अंदर में आता है इसीलिए कई जगह यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड भी थी, जंगल में जाना भी यहाँ पर मना था। इसी जगह पर एक पेड़ भी हमें दिखाई दिया जिसकी तने पर एक पत्थर लगाया हुआ था जिस पर कुछ मार्किंग्स थी। मार्किंग्स में लिखा गया था कि यह पेड़ मैसूर के राजा द्वारा लगाया गया है। यदि आपके पास एक दिन का समय है और आप एक पिकनिक प्लान कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, तो इस जगह को आप बिल्कुल विजिट कर सकते हैं। बेहतरीन खूबसूरत जगह जो प्रकृति के नज़ारों के बीच है, आप यहां पर आराम से अपना पूरा दिन व्यतीत कर पाएंगे। इसी के साथ ही हमारी इस यात्रा का यहां समापन होता है। मिलेंगे आपसे अगले किसी यात्रा पर, अगले किसी डेस्टिनेशन पर। तब तक के लिए धन्यवाद। इफ यू लाइक माय वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।